इसमें क्या है आपको ना फ्रैक्शनल पार्ट का फंडा याद होना चाहिए कि x इंटू इसको बच्चों ऐसे लिख लो रियल नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 बाय एक्स। ठीक, अब बच्चों आप यहाँ पर देखो ये कितना आ गया 4, और बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है याद है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होता है 0 से 1। बच्चों 0 इंटू फाइनाइट नंबर कितना आ जाएगा 0, तो बच्चों ये जो लिमिट आ रही है ना a की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। बच्चों स्क्वायर दे रखा है अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन पाई एक्स। सोचो आप कि एक फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, और साइन थीटा जो है आपका क्या है कंटिन्यूस है। बच्चों डिसकंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस कब आएगा जब एक्चुअली में ये फंक्शन क्या हो डिसकंटिन्यूस हो। बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूस होता कब है जब ये नंबर क्या हो इंटीजर हो, यानी कि एक्स कुछ ऐसा हो रूट ऑफ इंटीजर ऑफकोर्स पॉजिटिव है ना। तो बच्चों आप ऑप्शन चेक करो, बच्चों ए अगर मान लो 4 है तो ये कहता हो जाएगा 4 + 21 = 25, 25 का रूट 5। बच्चों एक्स की वैल्यू अगर आपने 5 ले ली तो ये 0 आ जाएगा, और 5 पर 0 इंटू एनी इंटीजर ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये डिसकंटिन्यूस नहीं आ रहा है। बच्चों √5, हाँ √5 सही है, क्योंकि क्या है √5 से बड़े के लिए कितना आ जाएगा 5 से बड़ा, 5 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 5 इंटू नॉन जीरो होगा साइन पाई, इंटीजर का ही जीरो होता है साइन पाई इंटू √5 जीरो नहीं होगा, इसीलिए आपका आंसर बच्चों ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और साइन 3 पाई कितना आ जाएगा 0। तो जब भी कंटिन्यूस फंक्शन अगर 0 है तो 0 इंटू डिसकंटिन्यूस फंक्शन कितना आ जाएगा कंटिन्यूस आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। रूट परफेक्ट स्क्वायर देखना था वही है ना, परफेक्ट स्क्वायर हटा दो आप,